हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार देगी कोरमा, जो शादी वगैरह में बनता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। चिकन में भी बहुत मज़े का बनता है। चिकन का कोरमा हमने आपको रेसिपी दी हुई है बीफ कोरमे की। आज हम आपको रेसिपी देंगे, तो उसके लिए हमने 1 kg बीफ लिया है ये। और कोरमा हमेशा हड्डी वाले गोश्त का बनाया करें, बहुत टेस्टी बनता है। तो हमने ये 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसके लिए हमने लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ की प्याज, जो हमने बारीक काट ली हैं। इसको हम घी में फ्राई करेंगे। हम घी में बना रहे हैं कोरमा, क्योंकि घी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो घी जो है हमने लिया है तकरीबन 1.25 कप, तो वो हमने गर्म करने के लिए रख दिया है पॉट में। उसमें हम प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे बाहर और फिर इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए मसाले। गर्म मसाला लिया है हमने, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायची हैं, 8 से 10 काली मिर्चें और 4 से 5 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 चुटकी जो है हमारे पास जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून है हमारे पास पिसा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून है हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून है नमक। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर मैरिनेशन होंगी और इसमें जाएगी 1/2 किलो दही। तो आइए चलते हैं, इसको मैरिनेट करते हैं और प्याज को डालते हैं घी में ब्राउन करने के लिए। अच्छा जी, घी हमारा जो है बहुत अच्छे से जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें अब हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम बहुत अच्छे से ब्राउन करते हैं और तड़ाप से लेते हैं। ये हमारी आ गई है 1/2 किलो दही। इसको हमने हाथ से फेंटना है और इसमें दाना रखना है। इसको बिल्कुल नहीं फेंटना, ये बिल्कुल दही बड़ वाली दही नहीं बनानी है। इसको बस हमने ये दाना देना है। ये देखिए जी, सिर्फ ये हल्का सा दाना ये आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह से हमें इसको रखना है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये तमाम मसाले चले जाएंगे। तमाम मसाले आ गए हैं इसके अंदर और अब हम डालेंगे इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट। हम करके रखते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और अदरक जाएगी इसके अंदर बारीक कटी हुई, तो वो हम डालते हैं इसमें। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारी जुलियन अदरक आ गई है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको बहुत अच्छे से निचोड़ देंगे। ये इसका रस निकल रहा है, इसमें शामिल हो गया। अब इसमें से हम आधी इसके अंदर डाल देंगे, आधी हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और अब डलेगा इसमें किवड़ा वाटर और बीफ। तो हम इसको हाथ से ही मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से और अपना जो बीफ है ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। अच्छा जी, हमारा केवड़ा वाटर आ गया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। ये हो गई है हमारी कोरमे की मैरिनेशन, बहुत अच्छी और मज़ेदार। अभी कच्चे में ही इसमें कोरमे की खुशबानी शुरू हो गई है माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार डेली कोरमा बनता है और बहुत आसान और झटपट बनने वाला है। चिकन का तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, गोश्त में ही है कि सिर्फ गलने का टाइम लगता है। तो जैसे हमारी प्याज ब्राउन होती है हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए जी, प्याज हमारी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे बाहर। बहुत अच्छे से आपने घी निचोड़ के उसे निकालना है इसको। ये देखिए हम किस तरह से निकाल रहे हैं, बिल्कुल हमने घी निचोड़ लिया है इसका। और अब ये प्याज हमारी आ गई है, इसको हम फौरी तौर पे खोलेंगे। फिर इनको हम साइड में रखते हैं। इसको अगर आपने फौरी तौर पे नहीं किया तो हमारी प्याज जो है वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये अभी भी कुकिंग के मराहिल पे है और जलने का इसका खतरा रहता है। तो इसको फौरी तौर पर आप खोल दें। ये देखिए, अब इसको यहाँ रहने दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारा ये घी है। इसके अंदर हम अपना ये कोरमे की मैरिनेशन ये शामिल करेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। इसको हम पकने के लिए रखते हैं। इसको कुकिंग टाइम जो इसका 1.5 से 2 घंटे है। गोश्त हमारा जैसे ही गलता है फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, गोश्त तो हमने रख दिया है पकने के लिए। तकरीबन उसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। बीच बीच में हम उसको चेक करते रहेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है। शुरू में हाई फ्लेम पे उसको पकाना है ताकि उसमें स्टीम बन जाए और वो पकना शुरू हो जाए। तो फिर आपको आँच उसकी स्लो कर देनी है। मीडियम आँच पे पकेगा वो 1.5 घंटा तकरीबन और हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो जाएगा। ये देखिए जी, प्याज का जो है ये अब हमने इस तरह से इसको मसलना है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना है हाथ से। ये गरम गरम प्याज है, इसी स्टेज पे ये काम हो सकता है। अदरवाइज जो है वो प्याज आपकी अगर नरम पड़ गई तो फिर आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो कोरमे के यूज़ की नहीं रहेगी।
ये हो गया है, इसको हम थोड़ा सा और मैश करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और फिर जब हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा तो हम इसको डाल के दम पे लगा देंगे। तो मिलते हैं आपसे गोश्त के टेंडर होने के बाद। अच्छा जी, गोश्त हमारा जो है डन हो गया है, और हमने इसमें ब्राउन प्याज और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको लगा रहे हैं दम पे, ये तकरीबन 10 मिनट दम पे रहेगा और ये रेडी हो जाएगा, फिर हम आपको डिश आउट दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें कोरमा हमारा तैयार हो गया है, दम पे आ गया है बहुत अच्छे से। तार देखें इसका किस कदर खूबसूरत है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए आपको डिश आउट की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो गया है, किस कदर खूबसूरत है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी जूलियन अदरक से, अदरक इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो ये देखिए जी, ये हमारी डिश फाइनल हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी कोरमे की बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग बनाते हैं तो हमारी रेसिपीज कैसी बनती हैं। और माशाल्लाह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं सारे सब बहुत अच्छे मैसेजेस करते हैं, तो हमें बहुत दिली खुशी होती है। उन सबको थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा। सब अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे जो आउटसाइडर जो पाकिस्तानी हैं, जितने भी जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है क्योंकि उनको अच्छी रेसिपी नहीं मिल पाती। तो उनके लिए हमने ये बनाई है, अपने चाचा के लिए, माजी चाचा के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।